जय हिंद बच्चों, आज हम लोग जैसे कि आप लोग अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? राजनीतिक हिस्ट्री, ठीक है ना? ध्यान दो, हिस्ट्री इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। हिस्ट्री को इतिहास। इतिहास इसके कितने भाग? तीन। कौन कौन से? प्राक इतिहास और आद्य। क्या होगा? आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये सबसे बड़ा भाग है। ऐतिहासिक सबसे बड़ा भाग कौन सा? ऐतिहासिक। आप देखिए हिस्ट्री का जो जनक है वो कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन? हेरोडोटस। कौन इतिहास का जनक? हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। अभी ऐतिहासिक जो है सबसे बड़ा भाग है, तो ऐतिहासिक का भी जनक कौन होगा? कौन होगा? हेरोडोटस। ध्यान देंगे अब इधर समझिए आप, प्राक इतिहास। प्राक इतिहास का जनक कौन? प्राक इतिहास का जनक नहीं जानते आप लोग, इधर ध्यान देंगे, रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है? प्राक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूड। आद्य इतिहास का जॉन मार्शल। ए लड़की इधर ध्यान दो, जॉन मार्शल क्या होगा? आद्य इतिहास का जनक जॉन मार्शल। क्या होगा? जॉन मार्शल। सबसे पहले इतिहास को कितने भाग? तीन भाग। कौन कौन? प्राक, आद्य, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक सबसे बड़ा भाग, इसका जनक हेरोडोटस। इतिहास का भी हेरोडोटस, ठीक है? आद्य का जॉन मार्शल, ठीक है? प्राक का रॉबर्ट ब्रूस फूड, याद रखिएगा। इसमें कौन आता है? पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल में कौन कौन सा आता है? पूरा पाषाण काल, ध्यान दो इधर, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इधर ध्यान दो बाबू, इधर ध्यान दो। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल। क्या आता है? उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। अब इसमें समझिए आप लोग, जो हम लोग पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग की खोज कब हुआ था? आग। आग समझते हैं आप लोग? आग की जो खोज हुआ था किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज क्या हुआ था? आग की खोज हुआ था, ठीक है? अब मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में छोटे हथियारों की खोज, छोटे हथियारों की खोज और हुआ था हड्डियों के आभूषण की खोज। हड्डियों का आभूषण का मतलब समझते हैं आप लोग? अरे पहले जमाने जो लेडीज लोग होती थी ना, वो हड्डी का बना रहता था, कुछ भी बना रहता तो पहन लेती थी, इसमें गला में नाक में हड्डी का बना हुआ रहता था आभूषण। आभूषण मतलब जेवर, हाँ, हड्डी का बना हुआ था। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। आज से अगर 100 साल पहले जाएगा ना, पुराने जमाने की बूढ़ी लोग को देखेगा तो बहुत अजीब अजीब सी चीज पहन ले जाती थी उन लोग, हड्डी वाला भी बहुत सुंदर होता था। तो मध्य पाषाण काल में छोटे हथियारों की खोज और हड्डियों से बने आभूषण की खोज, ठीक है, याद रखिएगा। नव पाषाण काल की, नव पाषाण में क्या हुआ था? सबसे पहले खेती कहाँ हुई बताओ? सबसे पहले खेती जो हुआ किस चीज का हुआ? सबसे पहले खेती जो हुआ था वो जव का हुआ था। किस चीज का हुआ था? जव का। उसके बाद चावल का, चावल का हुआ था। क्या चीज का हुआ था? चावल। चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के कुंडीवा में। इलाहाबाद के कुंडीवा, याद रखिएगा। चावल सबसे पहले जो की खेती, उसके बाद चावल की खेती कहाँ पर? इलाहाबाद के कुंडीवा में। अब आगे आइए, नव पाषाण हो गया। अब उत्तर पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुआ था। किस चीज का? तांबे की खोज। इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। इसके बारे में समझ में आ गया प्राक इतिहास। अब आगे आते हैं हम लोग आद्य इतिहास। आद्य इतिहास इधर ध्यान दो, आद्य इतिहास का जो जनक है वो जॉन मार्शल है, लेकिन इसके करीबी था एक दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी, ठीक है? अब इसने खुदाई करवाया, इस काल में खुदाई हुआ, तो उस खुदाई का नाम पड़ गया था हड़प्पा संस्कृति। क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। ये कब हुआ था? 1921 में। 1921 में इसका खुदाई हुआ था, लेकिन ये सभ्यता कब है? इधर ध्यान दो, 2500 ईसा पूर्व। 2500 BC, BC का मतलब ईसा पूर्व। देखो इधर, ईसा पूर्व क्या होता है? ईसवी सन किसको बोलते हैं? हम लोग जो अभी चल रहे हैं
ये 2000 क्या है 2023 ईस्वी सन है 2000 ईस्वी सन मतलब सन ईसा मसीह को जन्म हुआ उस टाइम से काउंटिंग शुरू हो गया तो अभी कितना हो गया 2023 कितना हो गया 2023 साल यानी 2023 साल ले लो अब जो ईस्वी सन से पहले जो साल था उसको हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व क्या बोलते हैं ईसा पूर्व तो ये कितना साल पहले का है हड़प्पा 2500 ईसा पूर्व मतलब 2500 पहले तो 2500 साल इधर ले लो और 2000 साल इधर ले लो कितना हो जाएगा लगभग 4500 साल पहले की बात है अब 1921 में खुदाई हुआ 1921 में क्या हुआ खुदाई किसने किया दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में देखो ये जॉन मार्शल जो था जनक तो ये तो नहीं कराया दयाराम साहनी से करवाया गया ध्यान दो बाबू दयाराम साहनी से करवाया गया क्या तो जब खुदाई होता है कुछ कहीं हम लोग खोदते हैं पुराने जमाने कुछ खोजने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ मिलता है उसको बोलते हैं अवशेष बचा हुआ सामान जो मिलता है ना उसको क्या बोलते हैं अवशेष तो इस खुदाई में क्या क्या मिला था जो हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था कौन जॉन मार्शल के नेतृत्व में तो ये अवशेष जो मिला क्या क्या अवशेष मिला इसके बारे में हम लोग समझते हैं सबसे पहले मिला था कुम्हार का चाक कुम्हार का चाक क्या होता है तो समझो कुम्हार लोग जो होता है जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसको कुम्हार बोलते हैं तो मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं ना कुम्हार उसको देखे होगा एक बैलगाड़ी जैसा रहेगा गोल जैसा उसमें मिट्टी भरने वाला रहता है और उसको आकार देता है सुराही बनाना है और कुछ बनाना है उसी से वो बनाता है तो कुम्हार का चाक मिला था उसके बाद मिला था स्नानागार स्नान करने का जगह को बोलते हैं स्नानागार उसके बाद बोलते हैं एक आया था श्रमिक आवास मिला था क्या मिला था श्रमिक आवास का मतलब समझो श्रमिक किसको बोलते हैं श्रमिक का मतलब मजदूरी करने वाला मेहनती करने वाला मजदूर श्रमिक आवास आवास का मतलब रहे के जगह को बोलते हैं आवास समझ में आया तो स्नानागार मिला था और क्या मिला था अन्नागार मिला था अन्नागार मतलब जहाँ पर अनाज उनाज रखता था ठीक है इसमें बाबू पूछेंगे अवशेष में क्या मिला था कुम्हार का चाक स्नानागार मतलब नहाने वाला जगह श्रमिक आवास मतलब आराम करने की जगह सुतने की जगह अन्नागार मतलब अनाज रखने का जगह और क्या मिला था देखो इधर ध्यान दो ताबूत मिला था क्या मिला था ताबूत किसको बोलते हैं कोई बताओ ताबूत किसको बोलते हैं देखो ईसाई लोग जो होता है ना मृत्यु हो जाने के बाद जैसे हम लोग मुस्लिमों में क्या होता है कब्र में दफनाया जाता है हिंदुओं में जला दिया जाता है और ईसाइयों में क्या होता है एक ताबूत बना होता है ताबूत में रखा जाता है और ताबूत पूरा डाल दिया जाता है कब्र में तो ये ताबूत भी रखा उसमें और क्या मिला था ओखली मिला था क्या मिला था ओखली केकरा बोलते है ओखली उठने वाला कुछ ओखली मिला था और क्या मिला था ओखली के बाद मिला था एक कब्रिस्तान मिला था RA-37 ये नाम था कब्रिस्तान मिला था ये सब चीज अवशेष में मिला था मतलब खुदाई करने जैसे खुदाई शुरू किया तो मान लो कुछ दीवार मिला तो दीवार के अंदर घुसा तो देखा अरे ये तो बहुत बड़ा रूम है कमरा कुछ कमरा में देखा क्या क्या है तो उससे इतिहासकार जो सर्च किया कि ये क्या था तो समझ में आया कि पहले मजदूरी करता था आदमी कुम्हार बनाता था तो ओकर बाद वो जाके आराम करता था सीखता था फिर अनाज रखता था सब समझ में आ गया पता चला कौन सा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है जो समझो सिंधु घाटी सिंधु एक नदी है ये हड़प्पा जो सभ्यता खुदाई किया गया रावी नदी के किनारे रावी नदी याद रखना रावी नदी के किनारे तो रावी नदी किसके किनारे है चिनाब नदी कहाँ सिंधु में मिल जाती है और सिंधु डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है तो समझो ये सिंधु नदी है ना जितना भी इसमें शहर मिला नगर मिला लगभग 350 नगर मिला था इस खुदाई में और सब कहाँ कहाँ मिलता जाके सिंधु घाटी में इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था बाद में पहली खुदाई हुआ था इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसको दिया गया समझ में आया ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है समझ में आ रहा है जैसे एग्जाम्पल समझो कोई लड़का अजमल ही हंस रहा है अभी बुद्रू इसका नाम है अजमल एक जब बुद्रू होगा छोटा बच्चा तो क्या बोलेगा मालूम अजमल अजमल का नाम रहेगा अजमल का बेटा का नाम रहेगा मोनू तो क्या बोलेगा मोनू के पापा बोलेगा कि नहीं इसी तरह पहले नाम क्या था सिंधु घाटी सभ्यता बाद में क्या नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता समझ में आया चलो इधर ध्यान दो अब आगे हम लोग बताएंगे फिर धन्यवाद